ना कोई और हो सकता है, हीरा ही है। उस माल के अंदर असली माल तो यही है। शब्बीर भाई के लिए कहता हूँ कि ये दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार, एक तरफ शब्बीर बाकी तरफ सब भीड़। एक बार के घर पे गए, एक बच्चा तीसरी में पढ़ता है, तीसरी पढ़ता है, तो मैं कहा बेटा तुम कौन से क्लास में हो? बोले अंकल मेरा और आपका क्लास एक ही है। मैंने कौन सा क्लास? बोले थर्ड क्लास। मुँह भी जवाब दे दिए क्या। अभी एक बार मैं बैठा हुआ था सुरेंद्र जी के साथ में, सुधाकर शर्मा जी के साथ, एक नेता भाषण दे रहे थे, यहाँ कोई नेता हो तो माफ करना, देखिए यहाँ जितने भी लोग होंगे सच्चे होंगे, क्योंकि कला प्रेमी है, कला को प्रोत्साहन देने आए, नेताओं का कला से कोई लेना देना नहीं होता, उनको कला चलता है। तो एक कला चला रहा था नेता, सुनने वाली बात है, लगा हुआ था बड़े लंबे लंबे देर अच्छे नेता देते, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो गया वैसा, घूम फिर के ऊपर वही आ जाते, भले वो अवार्ड के लिए आए लेकिन वो घूम फिर के अपनी गाड़ी वही आते। आज आइकॉन अवार्ड होना बड़ी खुशी की बात है। आइकॉन कौन है? कौन है हिंदुस्तान में? आप सब है, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है। कौन कर रहा है? पार्टी कर रही है, अपोजिशन पार्टी कर रही है, घूम फिर के वही जाएगा। तो एक ऐसे नेता भाषण दे रहा था, तो मैंने सुधाकर जी से कहा क्या कुत्ती की तरफ भौंक रहा है, अगर यही बात बोलना है तो साहित्य की भाषा में बोल, उसके मुंह पे भी बोले तो अच्छा लगेगा। क्या बोलना चाहिए? अब और सुनिएगा, ये होता है कलाकार और साहित्य के प्रति रुझान, जिसको होगा समझ पाएंगे कि शब्दों की ताकत देखिए क्या होती है। मैंने से कहा कि क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ऐसा बोल के जो उसके मुंह पे बोल गया तो तेरी बात भी रह जाएगी और उसको भी अच्छा लगेगा। मैं क्या बोलूँ? बोले उसको जाकर बोला नेताजी आप जब भाषण दे रहे थे तो आपका एक एक शब्द मोती की तरह लग रहा था। लगता है कोई मोती पालता नहीं। तू कहाँ से वही समझ सदर वाले ऐसे कहा, कहाँ से ढूंढला शिफिर पाए, कॉमेडी सदन में देख रहे। एक सरदार जी था, तुम्हें क्या करूं सदमे में हो गए तुम, देखो भाई कॉमेडी ये शब्द को नहीं पकड़ोगे तो फायदा नहीं। कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने कि नेताजी को बोलना कि आपका एक एक शब्द मोती की तरह था, कुत्ते की तरह भौंक रहा था, बोलने जरूरत नहीं है। लेकिन ये शब्द अगर आपके समझ में कल आ जाए तो भी प्रॉब्लम, तो भी प्रॉब्लम है। अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जोक समझ में कल आएगा। और जो सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी, 24 घंटे लगे रहते हैं ना, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ कि दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, दरवाजे में लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल में लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। आज हमारे मोदी जी अगर यहाँ शुभकामना देने आते तो कहते हैं मित्रों ये जो बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड है मेरा फेवरेट है, मित्रों मत रहो, आप सबको अगली बार मैं पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। पीछे अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ने ये शब्द दिया है आपको कि आप सबके सबके साथ में बीजेपी का पूर्ण समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे लोग हैं, यहाँ का व्यक्ति एक एक व्यक्ति मेरे घर जैसा है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। आपके साथ संपूर्ण समर्थन, आप पर कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा धारा शुद्ध धारा। जब से कश्मीर से 370 हमने हटाई, कश्मीर से लोग हमको अमित शाह कम और कश्मीर शाह ज्यादा देते हैं। लेकिन आप सबको मैं ये विनती कर दूं कि रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह, जो कानून तोड़ेगा कानून उसको तोड़ेगा। और यहाँ पर जो दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है उसके हिसाब से रामदास आठवले आते हैं, बहुत ही बड़े शहर, स्वयं घोषित शहर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी, अनुमान है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये अनुमान है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अनुमान है।
बाद में भी हंस सकते चाइनीज भाषा बोल रहे क्या मेरा निगरो एक बार मैं गया था दिलीप सिंह के घर सिंह जी के घर पर गया था दिलचंद जी के परफॉर्म कर रहा था तो मैंने कहा भाई मेरा मेरी जो मेरा जो सरनेम है वो मैं समझता हूँ कि मैं यूपी का लगता हूँ राजस्थान का राजस्थान से राजस्थानी लगता हूँ इनके कोई सीनियर खड़े हुए थे तो खड़े ऐसा लगता है राजस्थानी शक्ल देखिए अपनी तो साउथ का लगता है साउथ का लगता है अगर शुक्रिया सर कम से कम आपने भारतीय तो समझा साउथ अफ्रीका का मूव में जो कुमार सानू साहब से मैंने कहा कि रोमांटिक गाने गाए आपने होंठों पे बस तेरा नाम है तुझे चाहना मेरा काम है तेरे प्यार में पागल सुबह शाम अरे तो रोमांटिक गाने बहुत गाए कोई ऐसा भी गाना है जो पत्नी पीड़ित बंदा हो उसके लिए गाया बोला गाया तुझे बोला मैं तुम्हारा गाया मैंने डेफिनेटली गाया डेफिनेटली सुधाकर जी ने लिखा लिखा नहीं है क्योंकि वो पत्नी से डरते हैं लेकिन मैंने गाया तो कौन सा गाना पत्नी पीड़ित आदमी के लिए कौन सा गाना गाया जिंदगी की तलाश में हम मौत की कितने पास आ गए जब ये सोचा तो घबरा गए पत्नी के पास आ गई हम कहां थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल शुभकामनाएं बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड आपको बेस्ट लाफ्टर का आर्टिस्ट मिला है क्या गाना गाया बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस ग्रुप का शब्बीर भाई का और तमाम ग्रुप के सलूकों को जिन्होंने ये अवार्ड दिया क्योंकि अवार्ड का मतलब होता है कि आपको प्यार मिल रहा है आपको प्रोत्साहन प्रोत्साहित किया जा रहा है आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है परमात्मा ही ये तय करता है क्योंकि ये दिमाग में इनके ऊपर आने लाया बात तो मुझे लगता है कि मैं सबका धन्यवाद करूँगा अपने कला का भी धन्यवाद करना और कला से जुड़े कॉमेडीज से जुड़े तमाम कॉमेडीज की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने कॉमेडीज का सम्मान किया तो बस ऐसे ही करते रहे और हमको ताकत देते रहे आशीर्वाद देते रहे कि हम आगे बढ़े लव यू ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ बॉम्बे में जब से मैं आई हूँ इट्स बीन 4 years और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड होगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है नो डाउट हाँ मेरी अभी एक पंजाबी फिल्म ऑन फ्लोर जाने वाली है दिल दी आरियां टेंटेटिव नेम है हो सकता है नाम चेंज हो जाए इसका सो दैट इज़ माय अनदर वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन फ्लोर डायरेक्टर इज मिस्टर अशोक नंदा जी अच्छे बुरे जो मेहनती लोग हैं उनके लिए लोग अवार्ड्स करते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं और बुलाते हैं उनको सम्मान देते हैं और ये भी चौहान साहब ने शुरू किया कृष्ण चौहान साहब ने और ये दूसरा अवार्ड है उनका और अच्छे पैमाने पे शुरू है और जिसमें अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस को बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं थैंक यू वेरी मच आई लव यू फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन यू हैव वन बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड फॉर बीइंग द बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर How do you feel? Actually, I feel very happy. Before, I'm really nothing. I just like I was stay in village many years before, and I just think I want to go India. And my dream always meet a Bollywood star. I contact all media how to meet, and now I can't believe that I can get the awards influence that. It's like important in Bollywood tone. I mean, I can share anything in my Instagram and I get also verified account and so many Bollywood fans in Indonesia follow me on Instagram. I'm so glad about it. In Bollywood, people in Indonesia, people like so much Bollywood. What I need to say, and there are so many fans over there. Of course, Indonesia is maybe number one for Bollywood because everybody, maybe because India and Indonesia is a little bit same, the culture, and so many Indonesian waiting for Bollywood come to Indonesia. So this is to make Indonesia knows all media that I'm here for all Indonesian fans. That's Lina Mukherjee always there for the information, everything about Bollywood.
So you also are a bridge, you can say. From India, you take so much Bollywood there, and from Bollywood, like, you know. And you are also a TV host, you are a model, you are an influencer. Yeah, something about, you know, what you do in Indonesia. In Indonesia, I have a lot of business also, but still about India and Bollywood. And then so many TV, they're calling and asking how you contact a Bollywood, because I mean, it's like I'm just ordinary woman. And I working on TV and sometimes magazine, sometimes newspaper. So my job is, I always tell to Indonesia, I always tell to everybody, dream. You can dream. I mean, it's like about everything what you like, your passion. Success will be behind you if you do whatever you like. Mr. Krishna, he has felicitated this. So you would like to thank Mr. Krishna? Okay, Mr. Krishna, thank you so much for everything. This was also, I'm very glad, because this is, I will bring to Indonesia to show all Bollywood fans about this. So before enough, I want to sing one more song. I want to say shout to the world that Bollywood is my blood. I mean, yeah. I'm very nervous. Behayali me bitera hi hayalae. Teri nazre kiyo ki visala hai. Okay, you know. Any message you would like to give your fans? Any message to Indonesia or India people? Yes, I just send all the message. I mean, you never give up. Whenever you have dream, you just try. And I mean, you always hard work, whatever you get. And I mean, do best, you will get the best. Only that's my message. And I love everybody. Thank you. Or, जिस तरह से कृष्णा चौहान ने ये अरेंज किया, सम्मान दिया हमको, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे नए नए लोग हमको सम्मान करने के लिए जब सामने आते हैं तो हमको लगता है कि परंपरा अगर चलती रहे तो काम भी अच्छा होगा और हौसला बढ़ेगा। कृष्ण चौहान चूँकि डायरेक्टर हैं और मैं जब उनको पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं आया। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि एक डायरेक्टर होते हुए एक आदमी अगर इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहा है कि जो पहली बार ले रहे हैं या जिन्होंने बहुत काम किया है, जैसे दिलीप सेन हमारे इतने सीनियर हैं, मैं खुद यहाँ आया, मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड कृष्णा जी जो करते हैं ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुँचे। बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड आज मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कृष्णा जी का। और बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड जिसने भी ये अरेंज किया, ईश्वर इसको आगे बढ़ाए। सर, जी अवार्ड का भी शायद आपने अवार्ड बना लिया होगा, बताइए कितने अवार्ड अब तक मिल चुके हैं? देखिए, चुनरिया तो मैंने गिन ली, लेकिन अवार्ड मैंने इसलिए नहीं गिने कि कहते हैं अवार्ड गिनने नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। लेकिन मेरे 1000 जागरा तक पहुँच गए या पार हो गए? नहीं, थोड़ा अभी बाकी है। अच्छा, इन दिनों क्या चल रहा है सर? इन दिनों लेटेस्ट मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो जैनियों के जो गुरु हैं उनके ऊपर बन रही है, उनकी बायोपिक है। मैंने उसमें 12 गीत लिखे हैं और 20 तारीख को मैं एक और फिल्म की शूट पे जा रहा हूँ जो गुरु नानक जी के ऊपर बन रही है, उसमें भी मैंने गीत लिखे हैं और मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। आपको अजीब लगेगा, मैंने जैनियों की पिक्चर में भी चुनरिया से बाज नहीं आया, लिखी है। और जब इस तरह का कुछ काम आता है जो चैलेंज इसमें हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, मैंने राजस्थानी लगभग 35 पिक्चरें की हैं और मैं समझता हूँ कि राजस्थान मेरे लिए एक ईश्वर के समान है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था तो मेरे लिए राजस्थान था, और आज जो कुछ भी हूँ राजस्थान की बदौलत हूँ। तो मैं हमेशा राजस्थानी पिक्चरें करता रहूँगा, वहाँ इसलिए नहीं करता कि मुझे छोटा बड़ा में फ़र्क है या पैसे की बात है, मैं इसलिए करता हूँ कि जिस धरती ने मुझे ऐसे समय में संभाला जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि उस मिट्टी के लिए मैं काम करता रहूँ। जी हाँ, बिल्कुल, ये अवार्ड बहुत ही बढ़िया अवार्ड है और बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि कृष्ण चौहान जी ये करते रहते हैं अवार्ड, और बड़ी खुशी की बात है ये। सर, ये मिला है
भाई इसको अवार्ड मत कहा करो, इसको मोहब्बत और दुआएं समझा करो। ये सोचो कि कितनी दुआएं मिल रही हैं आपको और कितने लोग चाह रहे हैं आपको। अवार्ड तो एक बहाना है, इस बहाने आप लोगों से मिल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल लेते हैं, पेपर वाले मीडिया से मिल लेते हैं और आपके ज़रिए हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो लोग हमें देख नहीं पाते वो आपके माध्यम से देख लेते हैं कि आज दिलीप सेन को क्या मिला या आज क्या नया हो रहा है इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो अवार्ड करते हैं कृष्णा चौहान जी जो कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। और ये जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं इसके लिए अपने आप को और मेरी बीवी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। थैंक यू। साथ में लगी रहती है, देख लीजिए जहाँ होती है साथ में ही होती है। हाँ बिल्कुल, मेरा साथ है वो, इसलिए मैं दुनिया को एक ही बोलता हूँ कि मेरी एक ही बीवी है। थैंक यू सर। जब किसी भी कलाकार को अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है। सबसे पहले तो आप सभी चाहने वालों को राजन मोदी का प्यार भरा नमस्कार, और ये अवार्ड मिला इसके लिए कृष्णा जी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शब्बीर भाई मेरी जान, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये अवार्ड से मुझे नवाजा। इतने बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया गया जिसमें मुझे भी मिला, तो जब अवार्ड मिलता है तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अच्छा काम करने का एक प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन मिलता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड तो काफ़ी हो गए, अवार्ड तो मिलते रहते हैं जब भी परफॉर्म करते हैं। मैं साउथ में भी काफ़ी काम करता हूँ, काफ़ी फिल्में मेरी आई है, अभी हिंदी में आ रहा हूँ मैं, दो फिल्में मेरी बड़ी रिलीज़ है। तो बस इसी के लिए करते हैं सब, कि ये मिलते रहे और अंदर एक जान आती रहे और काम करते रहे। अभी एक शादीस्थान एक मेरी आ रही है के मैनन कीर्ति कुलारी के साथ, फेमस स्टूडियो वालों की, और एक दो फिल्में फ्लोर पे है, रिलीज़ तीन चार फिल्में मेरी हिंदी की। अभी जैसे ही प्रोड्यूसर अनाउंस करेंगे तो मेरा अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन बन के तैयार है फिल्में जी। धन्यवाद। अच्छा लगा, अवार्ड लेकर अच्छा लगा। कृष्णा चौहान जी के लिए तो कहूँ तो कमी है, और शब्बीर भाई, शब्बीर मेरा बचपन का दोस्त है और वो हमेशा मुझे हर जगह बुलाते रहते हैं और मैं जाता हूँ। 25-26 साल से आप लोग शायद मुझे देखते होंगे एज एन एक्टर, जो बुला लेता है प्यार से मैं चला जाता हूँ। सर, अवार्ड का आपके चाइल्ड में कितना महत्व है और आपको अब तक कितने अवार्ड मिले? अवार्ड का आपने जो आपने पूछा कि अवार्ड की कितनी अहमियत है, अवार्ड की बहुत बड़ी अहमियत होती है। एक कलाकार को एक सम्मानित जब किया जाता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। अवार्ड मिले हैं मुझे, काफ़ी मिले हैं, लेकिन प्यार से जो भी बुला कर देता है ना वो अच्छा लगता है। और बहुत सारे अवार्ड लेने हैं। अवार्ड ये नहीं है सर, पब्लिक की दुआएँ अवार्ड है, पब्लिक का चाहना अवार्ड है। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरी पब्लिक ने बहुत चाहा है, उत्साया है, प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। हाँ, फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है। अभी आप लोगों की दुआओं से फ़िलहाल मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है सुल्तान मिर्ज़ा। साहिल अख्तर मेरा हीरो है, देवगिल साउथ का मगधीरा वाला विलन कर रहा है, यशपाल शर्मा है, अशोक समर्थ है, अनुपम श्याम है, शुभांगी जी हैं, जरीन अवाब हैं। एज ए प्रोड्यूसर मेरी ये पहली फिल्म है। आप लोगों की दुआएं मैं चाहता हूं, जैसा आप लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने जैसा मुझे एज एन एक्टर सराहा है, एज ए प्रोड्यूसर भी मुझे सराहा है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हर वक्त अपनी दुआओं में याद रखें और कामयाब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आइकॉनिक अवार्ड 2020 पहला अवार्ड, कृष्ण कुमार चौहान जी को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद हैं, दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने अपना ये दूसरे अवार्ड की भी शुरुआत की है। पहला अवार्ड उन्होंने अपना 2019 में रखा था, दूसरा अवार्ड ये है और वो बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि ये अवार्ड बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्टाइल के साथ में वो अवार्ड को लेके आए हैं और कर रहे हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और इस वजह से उन्होंने मुझे अपना इस अवार्ड के लिए चुना है और ये अवार्ड मिला है। अभी टाइगर ऑफ राजस्थान एक फिल्म है
जिसके सारे गाने रिकॉर्ड हो गए हैं, और 25 तारीख से हम लोग पहला गाना सरोज खान जी कर रही हैं, उसमें दिलीप सेन जी का भी म्यूजिक है, और ये मार्च से अपना राजस्थान में अपना 16 मार्च से स्टार्ट टू फिनिश अपना ये फिल्म शुरू हो जाएगी। या थैंक यू सो मच, अवार्ड मिलती है तो खुशी बहुत होती है, और ये सारा मैं मेरे माँ बाप को, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑफ कोर्स माय फैन, उनका अवार्ड है ये, उनकी बदौलत है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद की बदौलत है, तो बहुत खुशी है मुझे। एंड थैंक यू कृष्णा जी जिन्होंने मुझे इस लाइक समझा एंड अवार्ड दिया मुझे, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में अवार्ड की अहमियत तो बहुत है, मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं एक एक्टर के हाथ में ट्रॉफी कितने मायने रखती है। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे कुछ रिलीजिंग पे हैं, तेरी फितरत रिलीजिंग पे है, एंड पॉइजन रिलीजिंग पे है, राज नंदिनी फिल्म रिलीजिंग पे है, एंड 2-3 मोर मूवी हैं जो अनटाइटल हैं, और 2 साउथ की फिल्म अभी मैंने की, एक परिशोधम और एक सोचाना था, तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे एंड जल्दी रिलीज होंगी आप सबके सामने, तो आपका प्यार हमेशा बरकरार रखें एंड बरसाते रहें, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आप गाने के बारे में कुछ बताइए जिसका गाना बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत हिट हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। मेरा भी एक सॉन्ग है दिल मेरा चाहे जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और लगभग गाने का व्यू है 52 मिलियन लगभग व्यू है, एंड आप लोग गाना देख सकते हैं यूट्यूब में है गाना दिल मेरा चाहे, ये भी नहीं तो उस पर दिल है फिदा। तो इतने सारे लोगों ने आपको लाइक किया है तो पसंद किया है, तो आप कैसी खुशी आप? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरा फर्स्ट गाना जो है ये इतना हिट हुआ है, लगभग 5 करोड़ लोगों ने लगभग देखा है, तो मुझे खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर गाना हिट हो और हर प्रोड्यूसर जो भी मेरे साथ काम करे उसको फायदा हो, नफा हो नुकसान नहीं। मेरी मराठी फिल्म जो थी फक तू तुझ्यासाठी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया था काम करके, फिल्म भी काफ़ी अच्छी रही, एंड अभी एक और मराठी फिल्म कर रहा हूँ मैं जल्दी जो कि अनाउंस हो की जाएगी। मेरा नाम प्राची चौरे है, अवर के जो बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2020 मुझे बहुत मेहनत के बाद मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। अभी मेरी न्यू फिल्म डेब्यू हो रही है जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला है। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं मध्य प्रदेश। फिल्म कौन सी है, फिल्म के बारे में बताएं? फिल्म वो इनक्रेडिबल इंडिया है। ओके थैंक यू। बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड जो मुझे मिला है उसके लिए मैं कृष्णा चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये अवार्ड के लिए से मुझे नवाजा। पहली बार ये अवार्ड हो रहा है और कृष्णा जी बहुत मेहनत करे तो उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा उनका, और मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, माय वाइफ, माय डॉटर, एवरीवन, और जितने भी यहाँ पर मतलब दोस्त है, यू नो, चाहने वाले, बॉलीवुड इंडस्ट्री का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, और आप सभी मीडिया वाले जितने लोग भी हैं जिन्होंने इस अवार्ड में मतलब उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है, क्योंकि उनका प्यार ही था जो अवार्ड के लिए मुझे काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड मिला है। तो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड होप सो 2020 रॉक्स फॉर मी एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, डेफिनेटली अवार्ड मिलना मतलब किसी एक मोटिवेशन होता है कि आपका जो काम है वो सराहा जा रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, तो डेफिनेटली एक खुशी होती है। लगभग 20 साल हो गए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मीडिया पर्सन, और मैंने लगभग 7 शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, तो जो भी थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने जो नवाजा है, लोग जानते हैं, बॉलीवुड स्टार्स थोड़ा बहुत जो जानते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में जानते हैं लोग जो भी हैं, और यहाँ जितने यार दोस्त जो लोग हैं, एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव, तो उन सभी का यू नो योगदान है इस अवार्ड में। तो आई थैंक ईच एंड एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड एवरीवन, लाइक यू नो, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। मैं बहुत हर्षित हूँ आज कि आज मुझे बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड मिला,
और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कृष्णा चौहान जी और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने दूसरी बार मुझे बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड दिया। और अवार्ड का बहुत एक महत्व है एक आर्टिस्ट के लाइफ में, वो ऐसे कि आर्टिस्ट जब इतनी मेहनत करता है उस मुकाम पे पहुंचता है, उसकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे वो और मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा और जीवन में नए जो मुकाम है उनको हासिल करें। थैंक यू। ये फिल्म तभी लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, दबंग 3 दरबार जय मम्मी दी लव रंजन की, अभी रिलीज़ हो रही है मेरी निदान 14 फरवरी को। और एक और फिल्म है डर्टी हीरोज, मार्च एंड में रिलीज़ हुई, उसमें मैंने लीड रोल किया है। वेरी गुड। मैं बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली अवार्ड मैं फिल्मी झलक का संपादक हूँ, उसके आधार पे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, तो कृष्णा एंड चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, क्या कहेंगे आज आपको कि एक अवार्ड मिला है और आप सोशल अच्छा काम करने का आपको अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे लाइफ में अवार्ड जीता है? पुरस्कार, पहले तो मैं कृष्णा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतने सोशल एक्टिविटीज़ तो बहुत लोग करते हैं, उस एक्टिविटीज़ में मुझे यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया गया और हर घर तुलसी का जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए मुझे चयनित किया गया। पहले मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, जिस प्रकार ये दूसरा वर्ष है उनका और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ऐसा आगे और भी करते रहें। और पुरस्कार ऐसा चीज़ है कि अगर आदमी काम करता है, समाज में अगर काम करता है, तो उसको लोग चिन्हित करके सम्मान देते ही। सर, इस तरह का जब अवार्ड मिलता है तो कितना प्रोत्साहन मिलता है काम और सोशल वर्कर, जैसे आप सोशल काम करते हैं तो कितना बढ़ावा मिलता है? मैं एक माध्यम हूँ, मतलब कि मैं अगर पुरस्कार लेता हूँ तो हमारे समाज देखते हैं कि काम करने के बाद उनको पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो और भी लोग जुड़ते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए सामने आते हैं। अभी और क्या क्या आप सोशल में वर्क कर रहे हैं, कैसे आप लोगों तक काम पहुँचाते हैं, इसके बारे में? अभी मेरा सबसे पहले, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टारगेट अभी हर घर तुलसी का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से तुलसी का पौधा से कितने तरह का जो बीमारियां होता है वो दूर होता है, वो एक तुलसी के माध्यम से ये सबको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है, वो बहुत बड़ा मिशन है, वो अखंड भारत, समर्थ भारत का। ओके सर, आपको आज अवार्ड मिला है और जी रिपोर्टर आप बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको बताया गया इस अवार्ड के लिए? जी, सबसे पहले मैं मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आज यहाँ पे बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड हुआ है, तो हमें बेस्ट रिपोर्टर और सोशल वर्कर का अवार्ड मिला है, तो मैं अपने माता पिता, गुरु, अपने सीनियर लोगों को प्रणाम करता हूँ और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह के जब अवार्ड मिलते हैं तो निश्चित तौर पे समाज में काम करने का एक अलग उत्साह होता है, एक अलग जोश होता है। तो इस अवार्ड की कितनी अहमियत है, अब तक आप कितने अवार्ड ले चुके हैं? जी, अभी तक अवार्ड की बात करें तो अभी तक हमें दर्जनों अवार्ड मिल चुका है। हमें अच्छा लगता है कि मैं एक शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और एक दशक से ज़्यादा हो गया मीडिया इंडस्ट्री में, तो इस प्रकार का जब अवार्ड मिलता है तो एक संतुष्टि होती है कि हमने जो मेहनत किया है, जो पत्रकारिता की शुरुआत मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पर किया था, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। और जैसे कि मेरा एक संकल्प है कि मैं जो है समाज के पत्रकारिता के साथ साथ मैं सोशल वर्क करता हूँ, जनसेवा मेरा एक संकल्प है, तो हमें जो भी हो सकता है कि अपनी कैपेसिटी से, मैंने एक संकल्प लिया है कि हमारी जो इनकम है उसका मैं 20% जो है ज़रूरतमंदों की मदद में मैं अपना 20% इनकम लगाता हूँ। जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे मेरे अभिनय का अवार्ड मिला है।
मेन बात यह है कि मैं 12 साल फिल्म लाइन में काम करने के बाद 5 साल गायब हो गई, सो मैंने फिर से बैकअप किया है, आ रही हूँ फिर से फिल्मों में। इसके लिए कृष्णा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे फिर से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि काम करूँ और इस अवार्ड की इज्जत भी रखूँ। कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके जो भी हैं? जी अभी तो मैंने एक सीरियल साइन की है स्टार भारत का, और फिर एक दो मूवी है, और अभी एक नई मूवी मैंने किया है हाल में ही, वारली फिल्म है जिसका नाम है वराड, और मैं हिंदी मराठी गुजराती और भोजपुरी में भी काम की हूँ। निर्मला त्रिपाठी। कृष्णा चौहान जी ने इससे पहले बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड किया था और अब बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड। एज अ जर्नलिस्ट मुझे अवार्ड मिला है, मैं उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना बढ़ावा मिलता है जब इस तरह का अवार्ड मिलता है, तो आपके कामों को कितना बढ़ावा मिलता है, कितना आपको आत्मविश्वास प्रोत्साहन मिलता है? जर्नलिस्ट हूँ 35 सालों से। हम मीडिया के लोग बॉलीवुड को सोचते हैं, आर्टिस्टों को सोचते हैं, वो भी हमें सोचते हैं, बॉलीवुड हमें सोचता है, ये अवार्ड उसका सबूत है। सर अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? अब तक 35 सालों में कुछ शायद उतने अवार्ड तो 35 से ज्यादा अवार्ड तो मिल ही चुके हैं, और अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर हूँ। ये अवार्ड मुझे म्यूज़िक के लिए मिला है, और कृष्णा चौहान साहब का और बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस मान सम्मान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौन सा कोई एल्बम आ रहा है आपका? मेरा अभी 3-4 गाने मेरे रिलीज़ हुए हैं लास्ट मंथ ही, 2 सपना चौधरी के साथ में, दिल्ली की जाटणी और मौजा कर ले तू कुड़िए तेरे यार दी चल दी बथेरी, फिर 5 साल और एक और मेरा गाना बहुत हिट अभी चल रहा है मोनालिसा, चन्ना वे घरा जावे बहुत हिट हो रहा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं, बहुत सारी भी फिल्में आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ये 2020 का पहला अवार्ड है आपको, 2 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है, 2000 लाइव शो किया है, इंटरनेशनल परफॉर्मर का अवार्ड आपके हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कृष्णा चौहान जी का, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ 2020 का मेरा पहला अवार्ड है बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्म करते हुए, एंड ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। आज आपका ये लुक एक अलग ड्रेसिंग में है, और आज आपने पुराने नगमे पे जो है परफॉर्मेंस किया है, कहते हैं वर्ल्ड इज गोल्ड, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे हर साल मैं परफॉर्म करती हूँ अवार्ड नाइट्स में, तो यहाँ पे जिस तरह से क्राउड था, तो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे 70-80s लोग एज वाले लोग हैं, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पुराने नगमे पे परफॉर्म किया जाए, तो आपने देखा मैंने मुगले आज़म का गाना किया प्यार किया तो डरना क्या, और ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। कितने अवार्ड हो चुके? 2 दर्जन से ज़्यादा। कितने? बहुत सारे हो चुके हैं। कितनी आपको खुशी मिलती है जब कोई अवार्ड आता? देखिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, और जब सम्मान मिलता है तभी हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत किस तरह से अप्रिशिएट हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और यू नो, और ये तो 2020 का पहला अवार्ड है, सो इसके लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। इंटरनेशनल परफॉर्मर हैं, जेस सिंगर हैं, आपके हाथ में अवार्ड है 2020 का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कृष्ण चौहान जी का और श्री त्रिवेदी जी का, जिनकी वजह से मुझे आज मौका मिला है और इतना अच्छा अवार्ड मिला है, तो आप सभी का भी शुक्रिया, और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी विदेश में भी शो करके आए हैं उसके बाद? जी हाँ जी हाँ, मैं इसराइल में, कुवैत में, बहरीन में काफ़ी शोज कर चुका हूँ, तो इसराइल में तो बहुत अच्छी ऑडियंस मिली मुझे। ये अवार्ड आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? कितने बहुत महत्व रखता है सर, अवार्ड तो अवार्ड होता है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वाकई में एक अवार्ड मिलने की जो खुशी होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो मुझे इस वक्त मिल रही है। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी, और मैं कृष्णा जी को बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने सेकेंड अवार्ड रखा, पहले इसका मैंने अवार्ड रिसीव किया था लेजेंड अवार्ड, और ये मेरा सेकेंड अवार्ड है बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, तो मैं उनको हमेशा ही बधाई दूंगी कि नेक्स्ट ईयर वो और भी अच्छा करें, इससे अच्छा करें, और हमेशा करते करते, और मेरी तरफ से ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ।
हाँ, मेरी अभी 3 एल्बम आ रहे हैं अपकमिंग सून, माय 3 एल्बम्स, 40 सीरीज, और आई हैव संस्था एनजीओस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आई एम सोशल वर्कर बेसिकली, और उन बच्चों के लिए अभी हमारे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हमारे एवरी ईयर जो गरीब बच्चों को हम हेल्प करते हैं, और इस साल जून पे 25 बच्चे फिर से निकल रहे हैं रशिया के लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अवार्ड रिसीव करने के लिए मुझे 10 साल लग गए, 10 साल की मेहनत है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही स्ट्रगल जर्नी रही है, इसकी बहुत मेहनत रही है, इजीली यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, ये बहुत मेहनत के बाद ही मुझे मिला है। थैंक यू। क्वेश्चन पूछेंगे तो बात आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहते हैं आपकी आपकी लाइफ में अवार्ड कितने अवार्ड कितने अहमियत माई गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर एक अवार्ड मिला आइकॉनिक, और कृष्णा ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है ना अवार्ड देने के लिए, एंड वेरी लकी टू हैव दिस आइकॉनिक अवार्ड्स, और ये शुरुआत हुई है उनकी, इसके पहले लेजेंड अवार्ड भी उन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़ेदार, हम चाहते हैं कि ओवरऑल उनको कामयाबी दे और इस तरीके से ही फंक्शन करते रहे, हम लोगों को याद किया जाए। थैंक यू। अवार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा मिला है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा चौहान एंड निकी बत्रा इज माय डायरेक्टर, आई हैव डन हिज फिल्म देवी माँ, और दूसरी फिल्म भी की है राजा राजस्थानी, मारवाड़ी फिल्म है दोनों, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी दिस गुड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी वन, अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच, ये पहले मैंने बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड किया था पिछले साल, और ये दूसरा अवार्ड है बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, और अच्छा लगा, और सब लोग आए, सबका प्यार मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा, और ये अवार्ड आगे आगे भी होते रहेंगे कंटिन्यू। इस अवार्ड की बात करें जिसमें दिलीप सेन सरीखे तमाम लोग आए बॉलीवुड के, आप अमूमन देखा जाता है कि लोग चमत्ते सितारों को अवार्ड देते हैं, तो आप नए कलाकारों को भी दिया? बिल्कुल बिल्कुल, नए को हम अवार्ड नहीं देंगे तो कौन देगा, आप डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियन टीम को भी आपने अवार्ड? बिल्कुल, ऑल बॉलीवुड। आने वाले समय में सर आप सोशल वर्कर भी हैं, समाज के लिए क्या मैसेज, बॉलीवुड के लिए क्या मैसेज है? बॉलीवुड के लिए बिना सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है, किसी ने हमको सपोर्ट किया, हम भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अवार्ड प्लानिंग कैसे किया कि मेरे को ये शो करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत बहुत मेहनत बहुत करना पड़ा, लेकिन ये शो करके अच्छा लगा और शो सक्सेस रहा, इससे पहले जो किया था बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड और बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, दोनों शो सुपर हिट। आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी इसके बाद? इसके बाद ये बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड वापस दिसंबर में करेंगे, आप लोग वापस आइएगा। थैंक यू। मेरे दोस्त और जैसे आप लोग हैं मीडिया से, है ना, क्योंकि मीडिया है तो पीआरओ है, पीआरओ नहीं है तो मीडिया नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे है ना कि जो कुछ लेवल लग गया है कि छोटा पीआरओ है वो बड़ी फिल्में नहीं कर सकता है, एक आर्टिस्ट फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी बोलता है हमको ए ग्रेड का पीआरओ चाहिए। पीआरओ क्या होता है? आर्टिस्ट के ऊपर ही सारी फिल्में चलती है, अगर सलमान खान की फिल्म कोई गधा कर ले तो वो पीआरओ हिट है, हमें काम आता है, हम काम कर रहे हैं, बोलते हैं यार ये नया है, इसने बड़ी फिल्म नहीं किया है। अरे बड़ी फिल्म से क्या होता है, एक बजट होता है, वही कैमरा है, वही आर्टिस्ट है, वही सेंसर है, सारा सब कुछ वही है, इसमें बड़ा छोटा क्या है? हम किसी को बोलते हैं कि नया छोटा आर्टिस्ट है यार इसको नहीं छापना है, हम हर किसी को छापते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेब मीडिया हो, हर कोई हम किसी को भी छाप रहे हैं। तो कोई आर्टिस्ट या कोई प्रोड्यूसर ये क्यों बोलता है अरे यार ये नया है, छोटा है, या बड़ी फिल्म नहीं कर पाएगा? अरे बड़ी फिल्म हम क्यों नहीं कर पाएंगे? अब्दुल भाई आपकी लाइफ में अवार्ड का बहुत बड़ा अहमियत है भाई, जब तक अवार्ड नहीं मिलता है लोगों को यहाँ जानते नहीं है कि काम करता है कि नहीं करता है। कितने अवार्ड मिल गए अब तक? मुझे 6 से 7 अवार्ड मिल चुके हैं, 7 अवार्ड हो गए हैं। और आप अगला प्लानिंग क्या है, कौन सी फिल्म कर रहे हैं? मैं अभी फिल्मों का तो नाम नहीं लेता, फिर वही है ना कि यार ये बड़ी फिल्म किया नहीं है, है ना, लोग फिर बड़े पीआरओं को बुला लेते हैं, ऐसे बहुत सारे जगह हुआ है कि भाई ये फिल्म नहीं कर सकता है, जबकि आर्टिस्ट ने फ्लॉप फिल्में दे दिया है, अगर उसमें इतना दम था तो उसकी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, है ना। और बहुत सारी फिल्मी मैगजीन है ना, जिसमें एक राजा राम की फिल्मी झलक भी है, और ऐसी बहुत सारी मैगजीन है जो नए लोगों को भी छापते हैं, नए लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं, इंडस्ट्री की बहुत सारी है ना, ऐसे और कुछ नहीं बस। आज आपको
मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, और मुझे जो अवार्ड मिला है मेरे एक्टिंग पर्पज़ पे मिला है, और मुझे लोगों को बहुत 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 प्यार मिला, और यहाँ पर आइकॉनिक ये जो मुझे मिला है फर्स्ट यहाँ पर पहली बार मिला है मुझे, लेकिन बहुत बहुत अच्छी खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ हर साल मुझे यहाँ से मिले। मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक्टर हूँ, ठीक है। मैं एक्टिंग करती हूँ हरियाणा क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा वो है, और बहुत सारी मूवीज़ की हैं। अभी मैंने शॉर्ट मूवीज़ की है नशा रिश्तों का डिज़ायर ग्रुप के लिए, उसके लिए ही मुझे सम्मानित ये अवार्ड मिला है, तो थैंक यू। फ्रॉम मुंबई, मैं दिलीप सन सेमिनसन के साथ में संगीत के म्यूज़िक का प्रोग्राम चालू किया हूँ। मेरे डांसेस क्लासेस चलते हैं, योगा डांस, वेडिंग डांस, फिंसिंग डांस में हमारे 4 सेंटर अभी चल रहे हैं, और हमने अभी एक नया प्रोजेक्ट लाया है जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है रेखा मैडम के साथ में, और हमने बहुत सारे यहाँ पे सेंटर खोल रखे हैं। मैं जे में डॉक्टर हूँ और मेडिकल कॉलेज भी चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, और हमारा खास करके जो है डांस के ऊपर, हमारे पास डांस में 5-6 क्लासेस हो रही हैं, और उसमें जो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो गवर्नमेंट से वैलिड है, और एक हम क्राइम ब्रांच CFBI का कोर्स भी हमने लेकर आया है जिसमें कृष्णा जी भी जुड़े हैं, दिलीप सन जुड़े हैं, भारत कुमार जी जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर भी हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं ये मुझे अवार्ड मेरे को मिला है, कृष्णा जी ने मुझे अवार्ड बुला कर दिया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है और मुझे इतना जो मान सम्मान दिया है। मैं कृष्ण जी का बॉलीवुड एकेडमी का प्रोग्राम में जो मेरे को सम्मान दिया गया, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत खुशी देता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहमान शेख मेरा नाम है, मेरा इंस्टीट्यूट है डांसिंग क्लासेस का जो अंधेरी में जो चालू हो रहा है डांसिंग क्लासेस का। बॉलीवुड में अभी हमने जो बहुत सारे जो सर्टिफिकेट जो ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, गवर्नमेंट से वैलिड कोर्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वैलिड कोर्सेज होते हैं, और हमारा खास करके जो बाहर विदेशों में भी जो योगा डांस जो होता है गवर्नमेंट से, योगा डांस आयुष डिपार्टमेंट जिसकी परमिशन है, जिसके अंदर हमारे पास में जिसमें संगीतकार बहुत सारे जिसमें फिल्म एक्टर भी जुड़े हुए हैं, मेरे पास में आदि खान साहब है, तुम्हारे रामपाल यादव से भी मैं मिल चुका हूँ, रामपाल से भी मिल चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे हमने एक्टरों के साथ में काम किया है, और मेरा अभी एक नया फर्स्ट जो अंधेरी में एक सेंटर चालू हो रहा है जो रेखा मैम के साथ में, और मैं बहुत जल्दी उसका ओपनिंग करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। इस कार्य बॉलीवुड के आइकॉनिक अवार्ड के जो आपने संचालन किया है, इतना बढ़िया संचालन किया है, पूरे उत्साह के साथ आपने पूरे 4 घंटे का जो माहौल है उसको बड़ा बरकरार रखा है, उस अवार्ड के बारे में बताइए कि आपको किस तरह से संपर्क हुआ और कैसे आपने संचालन करने का इसमें मन बनाया, उसके लिए क्या आपने तैयारी की? एक्चुअली इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, मैं एक बेसिकली एक्टर हूँ, थिएटर आर्टिस्ट, मतलब शुरू से पिछले 10 साल से, और मैं एक NGO भी चलाती हूँ अपना, प्लस ये जो है एंकरिंग मुझे अच्छा लगता है, और स्पेशली मैं क्लोज लोगों की उसमें जाती हूँ, इनको जानती हूँ मैं, जैसे राजा राम जी हैं, इनसे 3 साल से मैं परिचित हूँ इनसे, तो समझे राजा राम जी ने ही मुझे यहाँ भेजा था, और आज उनके वजह से आज इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरी ना जान पहचान हो गई, बोल सकते थैंक यू राजा राम साहब, फिल्मी झलक के जो एडिटर है, तो बस इतनी सी बात, कुछ ज़्यादा इतने सारे लीजेंड आए थे, सुधाकर शर्मा जी थे, जी थे, हाँ नारायण जी थी, हाँ उनके वो जब आप मंच पर बुला रही थी तो किस तरह से आप अपने आप को पेश कर रही थी उनके बीच में? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब दीपा नारायण जी से मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा, बचपन से जिनको बोलते हैं ना जब पैदा हुई थी तब से इनको सुन रहे थे उदित नारायण वगैरह, तो अच्छा लगा उनसे मिलके बहुत ही, और बहुत सभ्य है ना महिला है वो, सबको दिलीप सेन साहब हो गए और भी बहुत सारे नाम हैं अब भूल गए, अच्छा लगा, एक नया अनुभव बोलते ना, एक नया कार्यक्रम जो आयोजक कृष्णा चौहान, हाँ, और स्पेशली मैं इस प्रोग्राम जिन्होंने रखा है कृष्णा चौहान साहब डायरेक्टर साहब, उनको मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम रखे, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये ना, क्योंकि देखो हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्टों को ही नवाजा जाता है, राइट, बट ये इन्होंने अच्छा एक ज़रिया निकाला है कि देखिए आज आप लोगों ने देखा होगा स्टेज पर मेकअप दादा को दिया जा रहा था, यू नो फोटोग्राफ, हर एक छोटे छोटे आर्टिस्ट कलाकार जो जिनकी मेहनत लगती है उन सबको नवाजा गया, ये सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ लगी इसमें, बहुत अच्छे, हाँ मुझे दिया गया, और मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता एंकर की वजह से दिया गया या एक्टर की वजह से, बट हाँ थैंक यू, बहुत उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं इसके लिए, अच्छा लग रहा है। सुष्मिता विश्वास एक्टर एंकर, और हाँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसमें मैं फैकल्टी हूँ, एक संस्कार केंद्र हम लोग चलाते हैं,
बच्चों के लिए गोरेगांव ईस्ट में, ये पूरे मुंबई में हर जगह पूरे इंडिया में ही है श्री श्री रविशंकर का वो आगे? और इसमें जो है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं उनके तरफ से हम लोग MBMC स्कूल वगैरह में जाते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, दैट्स इट। बिसाइड्स ऑल